नमस्कार। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक को मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जिसमें इररिड्यूसिबल नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना मैंने आपको बताया। आज उसी के ऊपर एक एक्सरसाइज है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को 6B नाम दिया था। ये हमारा एक्सरसाइज 6B है, जिसमें चार सवाल हैं। पहला सवाल मैं आपको स्टार्ट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। डी स्क्वायर प्लस डी प्लस डी डैश इंटू जेड बराबर जीरो, ये हमारा क्वेश्चन है। आप जानते हैं अगर बराबर जीरो है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही सॉल्यूशन का काम करेगा, क्योंकि बराबर जीरो पर हम पार्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालते। अब देखिए सवाल को हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको हमने लिख दिया है। अब आप गौर से देखिए, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि हम इसको उस तरीके से बना नहीं सकते कि दो फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा जा सके। तो इसलिए हम इस नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कहेंगे ये इररिड्यूसिबल नॉन होमोजीनियस। तो फिर हमने कहा इट इज, इसको मैं वर्ब मान लेता हूं, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इररिड्यूसिबल नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब आगे क्या बढ़ते हैं। अब इस फैक्टर के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करेस्पॉन्डिंग टू इररिड्यूसिबल फैक्टर डी स्क्वायर प्लस डी डैश इज कैसे निकालेंगे। आपको कल बताया था, मान लिया इज फॉलोज, लेट जेड बराबर ए ई टू दी पावर एच एक्स प्लस के वन ए ट्रायल सॉल्यूशन। ठीक है, आप वन देन अब हम कैलकुलेट क्या करते हैं, डी स्क्वायर जेड बराबर, अब डी का मतलब आप जानते हैं डेल बाई डेल एक्स है, और डी स्क्वायर एक्स का मतलब दो बार पार्शियल डेरिवेटिव हमें निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं इस रिजल्ट को कैलकुलेट करूं तो वास्तव में ये लिखा होगा, और इसका ये मतलब आएगा दो बार आपका एक्स निकलेगा, इसलिए यहां पर क्या होगा एच स्क्वायर पक्का। फिर इसमें है आपका डी, तो फिर हमने डी जेड निकाला, योगे डेल जेड बाय डेल एक्स हो गया ए इंटू दी पावर एच एच प्लस के वन इंटू एच के, और अरे हाथ यहां रखेगा हमने डी डैश जेड निकाल लिया। डी डैश जेड यहां पर उपलब्ध आया हुआ है तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे, तो डेल जेड अपॉन डेल वन, और यहां से आ गया ए इंटू दी पावर एच एच प्लस के वाई इंटू के। अब इन सभी मानों को रख करके और अपने सोल्यूशन निकालने की कोशिश में कर आगे बढ़ाऊंगा। तो हमने इस पर पुटिंग ऑल वैल्यूज इन मन, सभी मानों को हमने वन बदल दिया। क्या मान लिया, देखो डी टू जेड का ये मान तो हमने लिख लिया ए ई टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई इंटू एच स्क्वायर, फिर डी जेड का मान लिखा ए इंटू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई इंटू एच, और फिर ए इंटू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई इंटू के और बराबर जीरो होते हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें कॉमन हमारा बनता है ए इंटू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई, कॉमन ले लिया तो आ गया एच स्क्वायर एच प्लस के बराबर जीरो। बात समझ में आ रहा है, एंड इट इंप्लाइज एच स्क्वायर प्लस एच प्लस के बराबर जीरो। क्लियर,
आप जानते हैं ए जीरो हो सकता है, ए जीरो हो सकता है, तो जीरो क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस एच प्लस के इज इक्वल टू जीरो। यहां से हम के का मान लिख सकते हैं माइनस एच स्क्वायर प्लस एच के ब्रैकेट में कर लिए। अब ये मान उठा के हम यहां रखने जा रहे हैं, तो अतः इस तरह देखिएगा तो z बराबर देखा समेशन a e टू द पावर एच एच के का मान रखने जा रहे हैं माइनस एच स्क्वायर प्लस एच इंटू वाई इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ गिवन पीडी। अब रही बात सॉल्यूशन की, तो जनरल सॉल्यूशन एच देखा जेड बराबर समेशन यहां आई लगा दिया ए आई टू दी पावर एच आई इंटू एच एच आई का होल स्क्वायर एच आई इंटू वाई, दिस इज योर आंसर। ये आपका जवाब है इस क्वेश्चन के लिए।